Hello everyone, I am Nidhika and welcome back to my YouTube channel That Unsung Artist. So today is International Women's Day. So I thought why not to make a Women's Day special video. तो चलिए आज इस वीडियो के थ्रू समझते हैं व्हाट इज ट्रू ब्यूटी इन ए वुमन एंड व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए ब्यूटीफुल वुमन. एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल इन हर ओन वे बट सम पीपल मिसअंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ ब्यूटी. अकॉर्डिंग टू देम खूबसूरती का मतलब है एक खूबसूरत चेहरा जिसे बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज किया जाता है. For example, skin color, weight, height, dress sense, etc. जो कि बहुत ही गलत notion है because real beauty comes from the inside, not outside. But सवाल ये है कि what makes a woman stand out from the others and makes her truly beautiful? तो चलिए जानते हैं इस video के through. कॉन्फिडेंट एंड नो हर वर्थ. खुद के वैल्यू को समझें एंड लोगों से अपेक्षाएं कम रखें कि वो आपके ब्यूटी को आपकी सक्सेस को अप्रिशिएट करेंगे अप्रूव करेंगे. क्या हुआ इफ यू आर डस्की यू कैन स्टिल विन अ ब्यूटी पैजेंट. क्या हुआ इफ यू आर नॉट स्लिम यू कैन बी एन फेमस एक्ट्रेस. क्या हुआ इफ यू आर शॉर्ट यू कैन स्टिल बी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ इंडिया. बी प्राउड ऑफ हु यू आर and not ashamed of how someone else sees you. Kind and compassionate. Being rude towards others is not so cool. And ye love and compassion har kisi ke liye hona chahiye. Kuch selected logo ke liye nahin. They can be anyone. Your best friend, a waiter or a stranger. True beauty lies in how you treat others. Addition to value yourself, value all living things on earth. जब आप अपने लाइफ में काइंडनेस एंड कंपैशन को प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है एंड आपके आसपास के लोगों को आपसे बातें करना आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. Committed to personal development. Personal growth is something which should be on the top priority list of your life. यहाँ personal development का मतलब है intellectual, spiritual and emotional growth. अगर आपकी knowledge किसी particular field में नहीं है तो उसे जानने की कोशिश करें. Explore, learn through internet, asking with people, reading books, etc. Also, खुद के mistakes को accept करें. दूसरों पे ब्लेम ना डालें एंड आगे उसे करेक्ट करने की कोशिश करें. लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम एवरी वन इन योर लाइफ बी इट योर टीचर योर लाइफ पार्टनर और ए स्मॉल चाइल्ड. पैशनेट. आपके लाइफ का एक पैशन होना चाहिए. पैशन आपके लाइफ को पर्पस देता है अदरवाइज यू विल फील योर लाइफ इज मीनिंगलेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर हो एंड आपको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है देन मेक इट योर पैशन. गो एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस जब भी आपको वक्त मिले. या फिर अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है किचन में खाना बनाना अच्छा लगता है लोगों की मदद करना सोशल वर्क करना यूट्यूब पे वीडियोस बनाना. योर पैशन कुड बी एनीथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड मेक्स योर लाइफ एक्साइटिंग. कॉम्प्लीमेंट अदर वुमेन. मैं खूबसूरत हूँ और मैं ही खूबसूरत हूँ इस दो सेंटेंसेस में बहुत डिफरेंस होता है. आप खुद को वैल्यू देते हो खुद को अच्छा मानते हो खुद को अप्रिशिएट करते हो. ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में बट नेवर हेजिटेट टू कॉम्प्लीमेंट अदर प्रिटी वुमेन इन योर लाइफ. सी अदर प्रिटी गर्ल्स एज ए मोटिवेशन टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम देम रादर देन ए कॉम्पिटिशन. बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स एम्पावरिंग अदर एज देयर इज प्लेंटी ऑफ लव टू गो अराउंड. So what do you think about this list? Do you agree? Is there anything else you will like to add? Do let me know in the comment section. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and share with your friends. And don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you do not miss any updates in future. Thank you.